खा कर लाया हूँ अपने लाइफ में। क्या सिद्धार्थ नु भी लाइफ गया बाहर है? हेलो कर सारे बड़े प्यार कर रहे शहबाज आई लव यू। कुत्ते शहबाज लिखे आ रहा है, शहबाज आई लव यू। शनाज जा जा मैं नहीं करती, शहबाज है पर शहबाज क्यों लिख रहे हैं ये? आई लव आसिम सना टूगेदर। ओके लव यू शहबाज लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं अभी लिख रहे हैं शहबाज शहबाज ये शनाज आ गया शहनाज। इन सभी ने देखो ये ना कमीना ना मेरे चक्कर में ना अपनी फैन फॉलोइंग बना रहा है, बहुत तेज है तू, बहुत ज्यादा। और कोई जो जो आप शो सोच रहे हो ना वैसा शो नहीं है, बता दे शनाज एंटरटेन करेगी, कोई शादी शुदी नहीं करेगी, बता दे खुलासा कर दे, हम अपने में दिखाएंगे। आई लव यू ऑल और टेंशन मत लो, सिरनाज ही होगा मैं बोल रहा हूँ। शादी में इतनी जल्दी करती, फ्लिप मारेंगे जल्दी, एंटरटेन करेंगे शनाज, एंटरटेन करेगी शनाज। लव यू यार, थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने इतनी वोट्स की और मैं टॉप थ्री में पहुंची। आई लव यू ऑल सीरियसली, आई रिस्पेक्ट यू और मुझे आगे भी ऐसे ही रहना मेरे साथ, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम लोगों के साथ। Thank you so much, Paji. Been, you know, I've been listening to Tupac because I know you've somewhere been inspired by Tupac, you know what I'm saying? And listening his tracks, and every day somewhere, your track and Tupac track, every day I've been listening because you guys didn't give up in life, man. And I ain't no giving up in my life also, sir, for no cost. You've had a long life ahead of you, God bless. Yes, sir. आबरा कडाबरा, मैं हूँ पारस आबरा। ओह, ये तो सुना था। एक नंबर। Once more, yeah, once more, बस आबरा कडाबरा, मैं हूँ पारस आबरा। पारस भाई यहाँ पे देखिए अभी, यहाँ पे। चलो, लो लो जल्दी लो। हो गया? ओके। एक बार यहाँ पे भी करेंगे। पी के साथ कुछ करेंगे। हाँ। पी के साथ। पारस भाई यहाँ पे देखिए। घंटा पी किसी को चाहिए, अरे हीरा भाई पी लो, अरे एकदम पारस भाई इधर भी एक मिनट यार, Thank you. Hello. Stevie?
सृष्टि राज Done, done, done. Thank you. Lipstick, ठीक है? Okay, I'm taking out your guys. Can we start with the bites? I'll make a stand here. सिट में जनता होगा गाइस हम स्टार्टिंग वन ऑन वन ओके हां सो लेट अस स्टैंड बिग बॉस जर्नी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन थी. मतलब कहने को मैं जिस फैमिली से हूँ उस फैमिली से मतलब मुझे ऐसे रानी बन के जाना चाहिए था अंदर, क्योंकि मैंने बचपन से हमेशा, ये कुछ नया नहीं है मेरे लिए इंडस्ट्री, बट डेफिनेटली अंदर गई तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा करूँगी. बट आई डोंट नो, जस्ट थोड़ा डिप होती गई और कॉन्फिडेंस काफ़ी कम था शुरुआत में और समझ में नहीं आ रहा था. बड़े बड़े नाम थे, रश्मि, डेबोलिना और सिद्धार्थ शुक्ला, सो मुझे नहीं पता था मैं फिट इन कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी. बट डेफिनेटली जब फर्स्ट पड़ाव क्रॉस हुआ तो ये समझ में आया कि खुद कुछ कर ही नहीं रही हूँ. और नॉट दैट कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे खुद को पता चल रहा था कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ. और नॉट दैट कि कुछ करना करना है, बट मुझे ये समझ, मुझे अगर आपने शो देखा होगा तो मेरे कोई बहुत बड़े बड़े झगड़े नहीं हुए, मुझे कोई ऐसा इतना कोई पसंद नहीं आया अंदर कि मैं कोई किसी से प्यार कर बैठती तो मैं थोड़ा लाइमलाइट में आती. सो ऐसा कुछ भी नहीं था. बट डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि अभी थोड़ा अपना निखर के आना बहुत ज़रूरी है. एंड वहाँ से, और फर्स्ट वीक में जब कृष्णा का कॉल आया था मुझे कि मेरी बहन कहीं खो गई है, उसने भी, उस चीज़ ने भी काफ़ी हिम्मत दी थी. और धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस, मैंने जो अपना ग्राफ देखा और वो रियलाइज़ हो रहा था. आप लोगों को पता नहीं बाहर जो दिख रहा था, लेकिन अंदर हमें खुद को पता चलता है कि हम डिप कर रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं. इमोशनली आई वॉज वेरी लाइक, बहुत ज़्यादा लो हो जाती थी बिकॉज हमेशा वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो इमोशनल टूटते थे, बनते थे. बट मैं हमेशा से, आई हैव नेवर बीन अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस कभी नहीं थी. तो मुझे ऐसा समझ में नहीं आता था कि पता नहीं ये कर पाऊँगी कि नहीं, चल दो महीना टिक जाए, आरती बहुत हो, बस लोग जानने लगे. फिर फाइनली लालच बढ़ता गया और नहीं, अभी दो महीना हो गया, थोड़ा जानने लगे हैं तो और जानो. वो लालच ने, और वो एक, क्योंकि इतना टूट तोड़ा गया था शुरुआत में, तो अपने आप को साबित करने की ज़िद ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है. एंड टॉप फाइव, आई स्वेयर मैंने नहीं सोचा था टॉप फाइव, लेकिन आई प्रोमिस यू, जब मीडिया अंदर आई और मीडिया ने जब मुझसे क्वेश्चंस पूछे और जिस तरह से वो जो साफ सुथरे क्वेश्चंस थे ना, वो मुझको इतना ज़्यादा हिट किया कि बाहर लोग पसंद कर रहे हैं. मुझे आज तक से, उनका नाम अमित जी ने पूछा क्वेश्चन कि आप अंडरडॉग थे, आपका जो ग्राफ है
रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, बट एक दो लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो क्वेश्चंस ने, मतलब वो क्वेश्चंस ही ऐसे थे कि पता चल रहा था कि बाहर आरती ठीक ही जा रही है, ऊपर ही जा रहा है ग्राफ. वहाँ से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता गया जब सलमान सर ने मुझे बोला कि बहुत करेक्ट हो तुम, जब सबके लिए दरवाजे खुले और बोला तुम यहीं बैठी रहो. डेफिनेटली वो सारी चीज़ों ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया और यहाँ पर हूँ टॉप फाइव में. एंड ट्रॉफी तो ठीक है, ट्रॉफी तो किसी एक को ही मिलनी है, लेकिन 22 लोग थे इस बार, 17-18 लोगों को पिछाड़ा है. और जहाँ पर 3 हफ्ते की मेहमान थी, मुझे नहीं लगता था मैं रुकने वाली हूँ. एंड डेफिनेटली सिद्धार्थ ने काफ़ी सपोर्ट किया शुरुआत में, तो यहाँ तक पहुँची हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी, दैट्स इट.